के मोतीनगर में हत्या के आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन हुआ है। नगर निगम और प्रशासन ने आरोपियों की व्यावसायिक बिल्डिंग पर बुलडोजर की कार्रवाई की है। बता दें कि भू माफिया मस्तराम घोषी और उसके परिजनों पर 15 दिन पहले करेरा गांव के एक युवक की हत्या का आरोप लगा है। 15 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने अब तक 12 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मस्तराम घोषी द्वारा जो है अनाधिकृत जो है मैरिज गार्डन का जो है निर्माण किया गया था, दुकानों का भी निर्माण किया गया था, उसके द्वारा जो निर्मित जो है अनाधिकृत जो हिस्सा है उसको आज तोड़ा जा रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रचित हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। रचित, देखिए हत्या का ये मामला सामने निकल कर आया था जिसमें अब कार्रवाई की गई है। जी, आपको बता दें कि सागर में जो निर्मल पटेल हत्याकांड हुआ था उसमें जो 15 आरोपी थे उसमें से पुलिस ने 13 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था और उसके बाद जो अवैध अतिक्रमण था उसको चिन्हित करके नोट दिए गए थे, जिसके बाद आज जो निगम कमिश्नर हैं वो पुलिस अमले के साथ वहां पहुंचे थे और उनका जो अवैध अतिक्रमण था उसको तोड़ने की कार्रवाई की गई है और जो इस मामले में दो आरोपी और हैं उनकी तलाश की जा रही है। सागर पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी जो बारीकी से इस मामले की निगरानी कर रहे हैं और जो पीड़ित परिवार है वो सीएम से भी मिला था, उसने न्याय की गुहार लगाई थी। रचित, 12 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, क्या सभी के घर पर बुलडोजर कार्रवाई हुई? इसके अलावा जो 3 आरोपी की तलाश जारी है उनके ठिकानों पर कार्रवाई कर दी गई है? इसमें जो मुख्य आरोपी है मस्तराम घोषी जो भूमाफिया है उसके घर पर जो अतिक्रमण था, जो उसका मैरिज गार्डन था और जो व्यवसाय कॉम्प्लेक्स था उसका अतिक्रमण चिन्हित करके उसके ऊपर कार्रवाई की गई है। बाकी जो आरोपी हैं उनका अगर अवैध अतिक्रमण होगा तो चिन्हित करके कार्रवाई की जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रचित आपका जानकारी के लिए।